क्या बोल रहे आपने तू मिस्टर इंटेलिजेंट बॉय हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सुबला ब्लॉग। सुबला ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? ठंड लग रहा था तो अभी आई हूँ थोड़ा सा चाय बनाने के लिए। चाय पी के फिर जो काम बचा रहेगा वो सब करेंगे। तो चाय तो हमें लाल चाय पी थी, लेकिन अभी बनाऊंगी मैं दूध चाय। तो चाय पी लेती हूँ। खाना बनाते वक्त मैं वीडियो नहीं कर पाई, तो चलिए एक बार आप लोगों को दिखा देती हूँ कि आज लंच में क्या क्या बना है। तो बना है भात, ये पापड़, और ये फूलगोभी का तरकारी, और ये बैंगन का भरता, और ये पत्ता गोभी का सब्जी, और ये दाल। बस ये हम लोग का आज का लंच मेनू। तो चलिए पहले लंच कर लेते हैं। पवन साहू খুলে যাচ্ছে, ওহো নষ্ট হয়ে গেছে জুতা, নতুন কিনতে হবে। ও ঠিক আছে, নতুন কিনে নিবা এরপরে। হ্যাঁ আচ্ছা, নতুন কিনে দেওয়া হবে তোমাকে জুতো। ঠিক আছে, রেখে দাও বাইরে। পাপাই তো এও লিখতে পারে না, বুলু তো এ লিখতে পারে। আরে সাবাস সাবাস, ইয়ে ইয়ে, বুলি আমার ছোট দলে। পাপাই তো এও লিখতে পারে না। পাপাই পাপাই দেখব এমনি করতে পারে। এ বুলু এ লিখতে শিখে গেছে। আরে বাবা রে, কালকে তোমার পরীক্ষা আছে? ও বাবা, तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ किचन में रात का डिनर बनाने के लिए। तो डिनर में बनेगा आज रोटी, और यहाँ प्रेशर में मैं तड़का बॉईल होने के लिए दी हूँ। तो आटा तो ऐसे सना हुआ हो गया, तो अभी तड़का के लिए जो जो लगेगा मैं मसाले का इंग्रेडिएंट्स तैयार कर लेती हूँ, और उसके बाद ये बर्तन कुछ पड़े हैं। कुछ बर्तन पड़े हैं, जब तक मैं दो तीन विसल देगा तब तक मैं ये धो लेती हूँ। तब तक मैं बर्तन धो लेती हूँ, चाय का बर्तन सारा। थोड़ा थोड़ा करके धो लेने से फिर अच्छा होता है, नहीं तो रात में फिर ज्यादा बर्तन जमा हो जाएगा। और बुलू अपने पापा की डैडी के साथ गया है बाजार करने के लिए, कुछ कुछ सामान राशन का चाहिए था वही लाने के लिए गया है वो। बाजार करने में अच्छा लगता है। अगर रात में चला जाए तो के तड़का का मसाला तैयार कर लेती हूँ।
बुलू यहाँ पे बाजार करके लाए हैं, तो बाजार में क्या क्या लाए हैं चलिए देखते हैं। यहाँ पे सब्जी में लाया है बैंगन और मूढ़ी, यहाँ पे है आटा और यहाँ पे ऑयल, एक रिफाइंड तेल और एक सरसों तेल, यहाँ पे चीनी और प्याज, ये सारा कुछ बुलू अभी बाजार करके लाया है ना बुलू, और साथ साथ बिस्किट जो वो खाना भी शुरू कर दिया है अभी। ठीक है, तो मैं बाजार से वो लोग सामान लाया वो सबको मैं अच्छी तरह रख दी हूँ, और यहाँ पे तड़का तड़का बॉयल भी हो गया है और यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है, तो अभी मैं तड़का बनाऊंगी। तो वैसे तो तड़का सभी को पता है कि कैसे बनता है, लेकिन मैं जिस तरह बनाती हूँ इसलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मैं खाने में सरसों तेल ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो मैं इसके लिए सरसों तेल डाल दी हूँ, अब तेल गर्म हो जाएगा, उसके बाद मैं इसमें डालूंगी प्याज, प्याज को थोड़ा फ्राई कर लेंगे, उसके बाद डालेंगे मसाला, और मसाले मैंने पीछे रख दिए हैं, और मसाले में मैंने दिया है अदरक लहसुन और हरी मिर्च और कुछ नहीं, जितना पानी पानी हो गया है, थोड़ा सा ही मसाला है तो इसलिए थोड़ा पानी पानी हो गया, प्याज थोड़ा अच्छी तरह भून लेने के बाद मैं इसमें मसाला देकर फ्राई करूँगी। तो प्याज इधर आधा फ्राई हो गया है तो मैं अभी इसमें डाल देती हूँ मसाला, इसमें डाल दूँगी स्वाद अनुसार नमक और हल्दी, और इसको अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। तो इधर मसाला भी लगभग फ्राई हो गया है, तो इसमें मैं डालूंगी एक बड़ा टमाटर और फिर थोड़ा सा प्याज रह गया, और इसको भी देखेंगे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तो सारे मसाले अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ ये बॉइल किया हुआ तड़का, तड़का दाल, इसको अच्छी तरह से मिलाने के बाद ये है तड़का मसाला, जो कि तड़का का पैकेट में ही था, तो ये मसाला भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी, और साथ ही साथ ऐड कर देती हूँ एक कसूरी मेथी, और इसको भी देके अच्छी तरह से हम तेल छोड़ने तक इसे कस लेंगे, और उसके बाद थोड़ा पानी देके मैं ढक दूंगी। तो इधर मसाला अच्छी तरह से तड़का के साथ एकदम से घुल मिल गया है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, ज्यादा नहीं, तो हम लगभग 5 मिनट इसमें बॉईल करेंगे, उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी 2 एग फ्राई करके। इसके लिए मैं एक पैन बैठा दी हूँ, और इसमें मैं 2-3 एग डाल देती हूँ, और इसमें मैं थोड़ा सा सिर्फ सॉल्ट यूज करूंगी, बस इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो इधर एक का भुजरी बिल्कुल रेडी हो गया है, और इधर तड़का भी रेडी हो गया है, तो मैं एक एक करके बाटी में नहीं डालूंगी, मैं एक साथ इसमें डाल देती हूँ ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए, और फिर मैं गैस का ओवन बंद कर दूंगी। इसे अच्छे से मिला लेती हूँ, तो ये रहा मेरा तड़का का रेसिपी, और मैं थोड़ा इसे गिला गिला रखी हूँ क्योंकि घर में सबको थोड़ा सा ग्रेवी अच्छा लगता है, और रोटी के साथ थोड़ा सा हल्का ग्रेवी नहीं होने से फिर ठीक भी नहीं लगता है, तो मैं ऐसे ही इसमें मैं गैस बंद कर देती हूँ। तो ये हो गया मेरा तड़का रेसिपी, अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर एक लाइक देके सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिएगा, और सर्व करने के टाइम मैं इसमें थोड़ा सा कटा हुआ प्याज और धनिया पत्ता ऐड करूँगी। तो उधर तड़का बन गया, तो यहाँ पे मैं अभी रोटी बनाने के लिए तवा चढ़ा देती हूँ, इधर रोटी भी मैं बना लेती हूँ, तब सबको खाने देंगे।
रोटी बन गया है तो अभी मैं दे दूंगी डिनर। तो डिनर में रोटी और ये रहा तड़का, और इसमें मैं थोड़ा सा कटा हुआ प्याज और हरा धनिया देके सर्व करूंगी। और ये दोपहर में बनाया था पत्ता गोभी का सब्जी, तो इसे भी मैं दे दूंगी। तो हरी मिर्च मैंने इसमें नहीं डाली है क्योंकि मेरे घर में कोई ज्यादा तीखा नहीं खाता। ये है हम लोग का आज का डिनर। तो दोनों बेटों को यहाँ पे खाने के लिए दे दिया है। ये तो खुद खाएगा नहीं है, पता नहीं है तड़का खा भी सकेगा या नहीं। नहीं खाएगा तो मैं बाद में इसे दूध रोटी खिला दूंगी। फ्रेंड्स सबको डिनर दे दिया है, सब खा भी रहा है, तो ये लोग खा लेगा। बुलू को खिला दूंगी, उसके बाद मैं खा लूँगी। तो फ्रेंड्स आज का ये ब्लॉग वीडियो मैं यहीं तक रखती हूँ। और तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक देके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। तो फिर से मिलते हैं एक नई ब्लॉग एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम। अभी हैप्पी दिवाली नहीं है।